बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, मेरा सलाम। मैं हूँ नदीम शाह और आप देख रहे हैं जी नदीम शाह यूट्यूब चैनल। आज एक खूबसूरत दिन, ठंडा दिन है, सख्त गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों, पहले भी मैं यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ एक, लेकिन आज पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है, इसलिए मैं आया था यहाँ पर। तो कितना खूबसूरत ब्लू पानी है यहाँ पे देखें, और यहाँ पे एक किश्ती खड़ी हुई है देखें, ये बोट जो खड़ी है ये पानी भरने के लिए। ये लोग यहाँ पे, यहाँ सेम का पानी है, ठंडा यख बिल्कुल ठंडा, जो तरबेला डैम की झील के नीचे पत्थरों से निकल के आ रहा है बाहर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो पहले भी एक बार दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारा इलाका है। तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखें, यहाँ पे जंगले लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक गेट छोड़ा गया है जिससे एंटर हो सकता है बंदा इस साइड पर। तो बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे देखें कुछ जानवर भी यहाँ पे आए हुए हैं घास चरने के लिए, देखें जी। और ये सामने जो है एक गाँव है, बहुत प्यारा, पहाड़ों के ऊपर। और ये किश्ती देखें, यहाँ पे लोग पानी भर के सेम का ये लेके जा रहे हैं, ये देखें जी। बहुत खूबसूरत जगह है, ये लोग पानी के लिए यहाँ पे आते हैं स्पेशली, बहुत दूर दूर से पानी भर के लेके जाते हैं। ये जी गाजी बरोथा की बड़ी झील है पत्थरों के बांध के पीछे। तो काफ़ी लोग आते हैं एंजॉय के लिए यहाँ पे, देखे लोग आ रहे हैं अभी भी बाइक्स पे, कुछ गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हुई हैं। तो ये कश्ती है जी, जो एक होटल के लिए पानी लेके जा रहे हैं। ये सामने होटल है जी नीलाब फिश पॉइंट, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं बिल्कुल मेरे सामने ये देखें अड बने हुए हैं, और बहुत प्यारा होटल बना हुआ है यहाँ पे। तो चलें, वो सेम का पानी आजकल किस तरह है मैं देखता हूँ, साफ़ हुआ है या किस तरह है, क्योंकि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं था। तो चलें मेरे साथ चलें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो ये मैं आगे जा रहा हूँ जी, ये सेम का पानी अभी बहुत साफ़ हुआ हुआ है, लोग पानी भर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें कूलर पड़े हुए हैं देखें, और लोग पानी यहाँ से भर रहे हैं, काफ़ी ठंडा और ख़ूबसूरत ताज़ा पानी। यहाँ पे आके मैं दिखाता हूँ पानी की सफाई, देखें जी पत्थरों के अंदर किस तरह पानी साफ़ सुथरा। और हाँ, आजकल पानी बिल्कुल ज़्यादा हुआ है जी, देखें ये सेम का पानी जो यहाँ से निकल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, यहाँ पीछे से इधर से झील से निकल के आ रहा है पत्थरों के अंदर से यहाँ से। और ये देखें यहाँ पे आके ये निकल रहा है और चल रहा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ये देखें जी बिल्कुल साफ सुथरा पानी है और बिल्कुल ठंडा पानी है जी। ये देखें जी यहाँ से पानी निकल रहा है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जो पत्थरों के अंदर से निकल के जा रहा है। तो ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मेन जगह ये वाली है, सिर्फ पत्थर नज़र आते हैं, पानी इतना साफ़ है कि पानी सही साफ तरीके से निकल, इतनी सफाई से निकल रहा है कि पानी नज़र नहीं आ रहा और पत्थर साफ नज़र है, देखें जी। ये साथ ही मेन हाईवे रोड है जी ये सामने। तो चलें दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, और नदीम शाह को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद कोई अच्छी सी वीडियो, कोई अच्छी जगह मुझे मिली तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।